सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग फंडा. ओके, सो हमने इससे पहले और लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ा था, ड्रॉप का फॉर्मेशन पढ़ लिया था. ठीक है, ड्रॉप फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें क्या होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था. ड्रॉप फॉर्मेशन में बेसिकली मैंने बताया था कि ड्रॉप होता क्या है, सिंगल इंटरफेस होता है ना. इसके पीछे वीडियो में ऑलरेडी आपने देखा होगा, मैं जस्ट वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ. ठीक है, तो ड्रॉप जो होता है सिंगल इंटरफेस होता है. इनसाइड और आउटसाइड जो होते हैं उसमें डिफरेंट लिक्विड जो होते हैं फिल्ड होते हैं. जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया था ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड इन एयर, तो मैंने कहा था कि वाटर जो है अंदर भरा पड़ा है और बाहर एयर है, तो ये इसको और ये क्या है, आपका सिंगल इंटरफेस है. दूसरा जो एग्जांपल लिया था मैंने, वो बोला था एयर बबल इन वाटर, तो ये कैसे, ये भी आपका कैसे बिहेव करता है, एक ड्रॉप की तरह ही बिहेव करता है. इसमें वाटर के अंदर जो है बबल का, वाटर के अंदर जो है आपका एयर का बबल फॉर्म होता है. ठीक है, लिखा होगा एयर बबल, यहाँ कन्फ्यूज़ मत होना, लेकिन होगा क्या, ये कैसे बिहेव करेगा, ड्रॉप की तरह ही बिहेव करेगा. यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जब पूछता है कि व्हाट इज़ द प्रेशर इनसाइड द एयर बबल, तो वो टिक मार देते हैं वो जो वाटर बबल होता है उस पे. ठीक है ना, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है, ये एयर बबल जो होता है वो कैसे बिहेव करता है, सीधा ड्रॉप की तरह बिहेव करता है. इसलिए मैं दोनों को साथ ही बता रहा हूँ, ड्रॉप फॉर्मेशन होता है. एयर बबल के अंदर क्या होता है कि सिंगल इंटरफेस के अंदर क्या होगा, एयर भरा होगा और बाहर क्या होगा, वाटर भरा होगा. आई होप कि यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई थी. अब आगे बढ़ते हैं इसके कंसेप्ट पे. ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ. तो एयर बबल समझ में आ गया था आपको और वाटर ड्रॉपलेट समझ में आ गया, दोनों सेम थिंग है. क्योंकि एयर बबल आपका किस तरह बिहेव करेगा, ड्रॉप की तरह बिहेव करता है. अब देखो, अगर मैं बात करूं तो ये मान लो आपका क्या है, वाटर ड्रॉपलेट है. ठीक है ना, एक वाटर ड्रॉपलेट है ये. ठीक है, इसके अंदर ये प्रेशर लग रहा होगा कुछ, बाहर से कुछ प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मान लो ये P2 है, ये क्या है आपका P1 है. P1 प्रेशर बाहर से लग रहा है, P2 अंदर से लग रहा है. अब आप देखो, अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है, अगर ये प्रेशर तो चारों तरफ से लग रहा होगा, मैं इसको कट करके दिखा रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा ही बिहेव करेगा, P2 ऐसा लग रहा होगा और P1 ऐसे. तो बताओ ये भैया, जब मान लो कोई ऑब्जेक्ट सीधा है, मैं बस सिंपल तरीके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही बेसिक तरीके से, मतलब ऐसा कोई समझाता नहीं है. ठीक है ना, सपोज करो ये कोई सरफेस है, अगर मैं यहाँ से प्रेशर लगा रहा हूँ, ये ऐसे बेंड कर जा रहा है, एक इधर से भी मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, इधर से भी प्रेशर लगा रहा हूँ, तो बेंड, अगर इधर से प्रेशर ज़्यादा होगा तो इस टाइप को बेंड करेगा, कॉन्वेक्स साइड बनेगा. लेकिन क्या हुआ, मैं प्रेशर इधर से लगाया तो इसने क्या हुआ, ये ऐसे बैंड कर रहा है. बात समझ में आ रही कि नहीं, तो ऐसे बैंड कर रहा है, इसका मतलब P2 क्या होगा तुम्हारा, ज़्यादा होगा P1 से. तो मैं लिख सकता हूँ P2 इज़ ग्रेटर देन P1. बस समझाने के लिए बताया ये कंसेप्ट. ठीक है ना, P2 इज़ ग्रेटर देन क्या होगा तुम्हारा, P1. ये नोट कर लेना, नोट कर लोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब मैं इसको कट करने वाला हूँ. ठीक है, मतलब वहाँ से अब इंटरफेस लेके चलेंगे. ठीक है, ओके, ये वाला जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं कॉनकेव, और ये पर वाला कॉन्वेक्स होता है, तो पता ही होगा. ठीक है, तो P2 और ये P1 है, तो यहाँ से मैं चेंज इन प्रेशर निकालूंगा तो कितना आएगा, चेंज इन प्रेशर हो जाएगा मेरा P2 - P1. चेंज इन प्रेशर कितना आ गया, P2 - P1. ठीक है, इसको नोट करिए. नेक्स्ट जो है हमारा, इसके बाद जो है टॉपिक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने कट किया, इसको ध्यान देना. ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसको कट किया है, कुछ ऐसा ही दिखेगा, ये सिंगल वो तो आपका क्या हो जाएगा, फेस हो गया, सिंगल इंटरफेस. जब मैं इसको कट करूंगा, इसके अंदर वाटर भरा होगा, ये एयर होगा. ठीक है ना, और ये इंटरफेस होगा, तो इस पर क्या है, सरफेस टेंशन लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, ये सिग्मा लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा इधर से, है ना, इस पर भी लग रहा होगा. इस पे क्या लग रहा होगा, सिग्मा लग रहा होगा चारों तरफ से. ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि इस पे क्या लग रहा है, सिग्मा लग रहा है. मैंने जो कट किया था, ये प्रेशर बताया था, यहाँ प्रेशर लग रहा है, वही पार्ट यहाँ दिखाया मैंने, इधर से बस इसको घुमा दिया है, या फिर ऐसे समझ लो कि यहाँ पे प्रेशर लगा रहा हूँ मैं, वहाँ दिखा देता हूँ मैं. इसका मतलब ये हुआ
ये आपका कॉन्वेक्स साइड हो गया, ये पी टू है यहाँ पे और ये पी वन है, ठीक है ना, बस इधर से, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब बताओ यहाँ पे पी टू ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, पी टू ज़्यादा होगा पी वन से, तो मैं चेंज इन यहाँ पे प्रेशर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा पी टू माइनस पी वन, ये याद रखना। अब यहाँ पे ये तो सरफेस टेंशन इधर फोर्स लगा रहा है, अंदर की तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, ये अंदर की तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, इसको मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ। जो अंदर की तरफ नेट फोर्स लग रहा होगा डेल्टा पी लग रहा होगा, प्रेशर इंटू वहाँ पे सिग्मा है आपका, ये क्या हो जाएगा एरिया से मल्टीप्लाई कर दें हम, प्रेशर इंटू एरिया कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा फोर्स आ जाएगा। तो नेट फोर्स हमारा अंदर की तरफ लग रहा होगा और ये आपका सिग्मा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तब मैं यहाँ से निकालना चाहूँ एट इक्विलिब्रियम, मैं लिख सकता हूँ एट इक्विलिब्रियम, क्या लिख सकता हूँ, ये सरफेस टेंशन का जो फोर्स, ये तो सरफेस टेंशन है सिग्मा है, इसका फोर्स निकालेंगे, यानी सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा, सरफेस टेंशन फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, ये जो प्रेशर है प्रेशर फोर्स है उसके बराबर होगा कि नहीं होगा, तो मैं लिख सकता हूँ सरफेस टेंशन फोर्स बराबर प्रेशर फोर्स, और सरफेस टेंशन फोर्स हमारा कितना होता है सिग्मा इंटू क्या कर दूंगा मैं पाई इंटू डी कर दूंगा, है ना, ये डी है ना, मान लो इसका डायमीटर डी होगा तो ये पूरा पे लग रहा होगा ना पाई इंटू डी पे, ये गोल है, ये जो इंटरफेस है एक तरह से राउंड है, ठीक है ना, याद रखना, ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो इसको फिर से बना दे रहा हूँ तब ध्यान समझ में आएगा। देखो इस पे लग रहा है सिग्मा, पूरा सिग्मा यहाँ पे लग रहा है, ऐसे नोट समझ लेना आप। तो कितने पे लग रहा होगा, ये पूरे डी पे लग रहा होगा ना, या फिर मैं बोल सकता हूँ टू पाई आर पे लग रहा होगा, राइट, टू पाई आर पे ये आपका डेल्टा पी लग रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सरफेस टेंशन फोर्स सिग्मा इंटू टू पाई आर, ठीक है, आर मैंने क्या ले लिया, रेडियस ले लिया, पाई इंटू डी भी कर सकते हो, ठीक है, इक्वल टू प्रेशर फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर फोर्स होगा आपका डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, और एक आर से एक आर आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, डेल्टा पी इक्वल टू टू सिग्मा बाई आर, यानी प्रेशर इनसाइड ड्रॉप कितना होता है ये मैं निकाल रहा था, यहाँ पर लिखो प्रेशर इनसाइड ड्रॉप टू सिग्मा बाई आर, इसको अगर मैं डी के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, आर इक्वल टू डी बाई टू, यानी फोर सिग्मा बाई डी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। और सेम थिंग आपका किसके हो जाएगा, एयर बबल, प्रेशर इनसाइड ड्रॉप या फिर एयर बबल के अंदर भी इतना ही होता है, नोट कर लीजिए इसको फटाफट, डेल्टा पी। सेकेंड हेडिंग डालिए बबल्स, बबल फॉर्मेशन, ये हो गया आपका ड्रॉप और वो अब पढ़ते हैं बबल, याद रखिए एयर बबल जो होता है वो ड्रॉप की तरह बिहेव करता है। सेकेंड हो गया बबल फॉर्मेशन, बबल फॉर्मेशन, ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट अ बबल फॉर्मेशन, बबल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये देखते हैं पहले, ठीक है। तो पहले बबल क्या होता है, बबल के पास सिंगल इंटरफेस होगा कि डबल इंटरफेस होगा, तो याद रखिएगा पहला पॉइंट, बबल हैव डबल इंटरफेस, कितना डबल इंटरफेस होता है, बबल के पास क्या होता है, डबल इंटरफेस होता है, ठीक। अब ये जो बबल फॉर्मेशन होता है बेसिकली कहाँ होगा, कैसे होगा, तो पहला हेडिंग डालेंगे आप एक मिनट, ओके, तो बबल फॉर्मेशन जो होगा उसका डबल इंटरफेस होता है, मतलब इनसाइड एंड आउटसाइड जो होगा आपका सेम फ्लूड भरा होगा उसमें, ठीक है, इनसाइड बात करिए या फिर आउटसाइड बात करिए सेम फ्लूड भरा होगा, तो ये भी एक पॉइंट है, लेकिन ड्रॉप के केस में ऐसा नहीं था, ठीक है, यहाँ पे इनसाइड एंड आउटसाइड
दोनों क्या होगा, सेम फ्लूड होगा, सेम फ्लूड। जबकि ड्रॉप के केस में क्या था, दोनों जगह मतलब अलग अलग फ्लूड थे, ठीक है। अब देखो बबल होता क्या है, देखो सबसे पहले बात करते हैं, ये हवा है, एयर। सपोज करो बबल में बेसिकली ना डबल इंटरफेस होता है, एक इंटरफेस ये हो गया और एक जो इंटरफेस होगा इसके ऊपर ये, हालांकि बहुत पतला होता है, मैं दिखाने के लिए बस मोटा बना रहा हूँ। ये बबल हो गया, दो इंटरफेस दिख गए। अब बबल के अंदर भी जो लिक्विड होगा वही बाहर भी होगा, यहाँ एयर है तो यहाँ भी क्या होगा, एयर ही होगा। और इसमें क्या भरा होगा, कोई भी फ्लूड भरा होगा, मतलब पानी भी भरा सकता है, वाटर भी भरा सकता है, ठीक है। इसमें देखेंगे आप दो इंटरफेस आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से इंटरफेस है, एक आपका तो ये इंटरफेस हो गया और एक ये, तो ये क्या है आपके इंटरफेस हैं, कितने इंटरफेस हो गए, टू इंटरफेस हो गए, नोट कर लीजिए इसको, टू इंटरफेस हो गए। एक चीज़ यहाँ पे और नोट कर लीजिए कि जो थिकनेस होती है ना ये बहुत ही कम होती है, थिकनेस इज़ वेरी लेस, थिकनेस इज वेरी। तो बबल का फॉर्मेशन में बबल डबल इंटरफेस का होता है, जो अंदर लिक्विड फ्लूड भरा होता है वही बाहर भी भरा होता है, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर इसको कट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऐसे इसका देखते हैं कि इसके अंदर प्रेशर कितना होता है। हेडिंग डालिए, प्रेशर इन साइड बबल। एयर बबल नहीं है, ठीक है ना, एयर बबल अलग हो गया। देखिए फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, अब ये जो बबल बनाऊंगा मैं, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि समझ में आए। ओके, एक तो ये इंटरफेस, ये तो सिंगल इंटरफेस हो गया है ना, तो ये तो आपका ड्रॉप हो गया, ड्रॉप नहीं बनाना नहीं है हमें, हमें क्या बनाना है, बबल बनाना है। बबल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डबल इंटरफेस होना चाहिए, तो एक इंटरफेस हमें और बनाना पड़ेगा यहाँ से, ऐसे ही कुछ। और इसकी जो थिकनेस होती है वो काफ़ी क्या होती है, कम होती है, बहुत ही लेस होती है। अब ये हमारा बन गया आपका क्या, ए बबल, ठीक है, ये हमारा बबल बन गया। आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको, बबल में कितने इंटरफेस होते हैं, डबल इंटरफेस होते हैं, जो फ्लूड अंदर भरा होता है वही बाहर भी भरा होता है, मतलब अगर इसके अंदर एयर मैंने भर दिया तो बाहर भी क्या होगा, हवा होगा, है ना, होता ही है। अब मुझे ये बताओ, जहाँ पे चेंज इन प्रेशर लग रहा होगा डेल्टा पी जो बात की थी मैंने, और इस पे सिग्मा लग रहा होगा, ये लग रहा होगा, ठीक है। और मैंने लिया क्या है, सोप, सोप की फिल्म है ये, सोप बबल लिख लो यहाँ पे, प्रेशर इनसाइड सोप बबल पड़ रहे हैं। तो पहले ये सोप की फिल्म है जो बनती है, ठीक है ना, हल्की सी पतली सी झिल्ली बोलते हैं उसको, ठीक है। अब प्रेशर कितना होगा इसके अंदर, अब ये देख लेते हैं। सपोज कर ये, तो इसका डायमीटर हो गया डी, डी इक्वल टू होता है हमारा 2R, ये पूरा डायमीटर हो गया इसका डी। डेल्टा पी यहाँ पे प्रेशर हो गया P2 - P1 जो मैंने बताया था ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें देखने वाली बात ये है, ये रेड पेन से मैं दिखा रहा हूँ कि सिग्मा यहाँ भी लग रहा होगा, इस पे भी लग रहा होगा, ये पहले वाले इंटरफेस पे तो लग ही रहा होगा, है ना, ये सिग्मा दूसरे वाले इंटरफेस पे भी लग रहा है, ऐसे बाहर की तरफ, पहले वाले इंटरफेस पे भी है, दूसरे वाले इंटरफेस पे भी है, मतलब दोनों की तरफ, दोनों पे सिग्मा लग रहा है यूँ, ठीक है। यहाँ भी सिग्मा लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, तो पहले वाले इंटरफेस पे भी सिग्मा है, दूसरे वाले इंटरफेस पे भी सिग्मा है, यानी सिग्मा इस पे सब पे लग रहा है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे मान लो इसकी जो थिकनेस होगी बहुत छोटी है, डी आर मान लो कितनी है थिकनेस इसकी, बहुत स्मॉल थिकनेस है डी आर, मतलब स्मॉल, वेरी स्मॉल थिकनेस, वेरी स्मॉल थिकनेस,
नोट कर लो इसको। तो एट इक्विलिब्रियम क्या लिख सकता हूँ मैं, एट इक्विलिब्रियम सेम वही काम, सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर, मतलब प्रेशर फोर्स। तो सरफेस टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा, पहले वाले के लिए लिखूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा इंटू टू पाई आर, सिग्मा इंटू टू पाई आर हुआ। दूसरे वाले में भी फिर वही, मतलब बहुत ही थिकनेस बहुत ही स्मॉल है तो इसको भी टू पाई आर ले ही सकता हूँ मैं, सिग्मा इंटू टू पाई आर दो इंटरफेस के लिए हो गया इक्वल टू डेल्टा पी, मतलब प्रेशर। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। डेल्टा पी इंटू क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, फोर सिग्मा पाई आर, ठीक है, फोर सिग्मा पाई आर इक्वल टू डेल्टा पी पाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल, तो यहाँ पर डेल्टा पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, फोर सिग्मा बाई आर। और इसी को अगर मैं डी के फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा पी इक्वल टू फोर एट सिग्मा बाई डी। ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको भी लिख लो। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कैसे निकाला मैंने। तो प्रेशर इनसाइड द सोप बबल कितना होता है तुम्हारा, फोर सिग्मा, मतलब अगर सोप बेबल सोप का बबल बनाना है तो उसके अंदर कितना प्रेशर डालोगे कि बन पाएगा। ठीक है, तो देखा होगा जब वो फूकते हैं सोप का बबल बन के आता है, हवा अंदर भी हवा होती है बाहर भी हवा होती है, तो जो बबल बन के आता है उसके अंदर कितना प्रेशर डालता है। हालांकि उसने पढ़ाई नहीं की है, उसको एक्सपीरियंस से पता होता है कि उसके अंदर कितना प्रेशर डालना है, तो वो कितना डालता होगा, फोर एट सिग्मा बाई डी या फिर फोर सिग्मा बाई आर डालता होगा, तो उसके अंदर क्या बन जाता होगा, वो सोप बबल बन जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी कि सोप बबल का फॉर्मेशन कैसे होता है ना, वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसके पास। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये सब सिग्मा है जो ड्रॉ किया था मैंने। एक टर्म और बच जाता है इसमें, उसको बोलते हैं प्रेशर इनसाइड जेट, जेट फॉर्मेशन। उसको डिटेल में बताऊं या फिर रहने दो ऐसे ही उसका फॉर्मूला लिखवा दूं, याद रहेगा, भूल जाओगे तुम लोग। लिखो लिक्विड जेट फॉर्मेशन, थर्ड लिक्विड जेट फॉर्मेशन। वैसे इसका फॉर्मूला बताने की जरूरत, मतलब इसको डिराइव करने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी सोच रहा हूँ डिराइव कर दूँ। नोट कर लिया आप लोगों ने, चले बढ़ते हैं आगे। सपोज करो ये एक पाइप है और यहाँ से जेट निकल रहा है, ये पानी का जेट है, इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया। ठीक है, मैंने एक सेक्शन ले लिया कट करके, अब मैं उसी सरफेस को यहाँ बनाऊँगा, ध्यान दीजिएगा, जो मैंने कट किया उसको मैं सीधा करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये जेट को मैं काट रहा हूँ, काट के दिखा रहा हूँ। ठीक, वो जैसे ही होगा सिलेंड्रिकल टाइप में, कट किया तो मैंने ये सिलेंड्रिकल टाइप में कुछ बनेगा, हालांकि परफेक्ट सिलेंडर मैं नहीं बना पाऊँगा, बना लेना अपनी कॉपी में नोट्स में। ओके, तो क्या दिख रहा है आपको, सपोज करो कि इसकी लेंथ कितनी है, L है। ठीक है, इसकी लेंथ आपको माननी है L, डायमीटर D मान लो, रेडियस R मान लो, स्मॉल R। ठीक है, डायमीटर कितनी मान लेना, डी, कैपिटल डी, उसको नोट कर लिया होगा तो आगे बढ़े ना। अब देखो जो इसके अंदर अगर बात करूं, अब इसको मुझे कट करना है आधे से, ठीक है, आधा कट कर रहा हूं, फिर ध्यान देना कैसे हो अपने लिए। सपोज करो मैंने यहां से इसको कट कर दिया, ठीक है, इसको भी कट कर दिया मैंने, तो इसके अंदर प्रेशर कितना बनेगा ये देखते हैं हम। इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको आप पहले ड्रॉ कर लो उसके बाद देखते हैं। जब मैं इसको ड्रॉप मान लो ड्रॉ कर लिया होगा, यहीं से कट कर दे रहा हूँ, देखो ये सिलेंडर था कुछ इस टाइप से, मैंने इसको क्या क्या कट कर दिया था, राइट, तो कुछ ऐसा ही फॉर्म होगा ये,
ठीक है, आधा कट करने पे कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ से तो मैं कट कर चुका हूँ इसको। मैंने आधा कट कर दिया था इस सिलेंडर को, यह ध्यान रखना, उसको मिटाने मिटा गलती कर दिया मैंने, तभी समझ में आएगा। इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, यही चीज़ पोर्शन यहाँ दिखा रहा हूँ इसको आधा कट करके, ठीक है ना? तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? नेक्स्ट इसको मैं नॉर्मली ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात करते हैं कि सपोज़ का जब मैंने इसको कट किया तो इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, सरफेस टेंशन लग रहा होगा? सरफेस टेंशन ऐसे लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा, इस फिल्म का लग रहा होगा और यहाँ भी लग रहा होगा। ठीक है, ऐसे सरफेस टेंशन लग रहे होंगे, ज़्यादा बना दिया मैंने, ऐसे सरफेस टेंशन इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, लग रहे होंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, और यहाँ पे क्या लग रहा होगा, इसके अंदर एक डेल्टा पी लग रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, एट इक्विलिब्रियम वही इक्वेशन लिख देना है बस, एट इक्विलिब्रियम सरफेस टेंशन फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, सरफेस टेंशन फोर्स जो होगा वो आपके किसके इक्वल होना चाहिए, इसके फोर्स के इक्वल। तो देखो सरफेस टेंशन फोर्स कितना लिख सकता हूँ मैं, सिग्मा, अगर मैंने इसकी लेंथ एल ली थी, इसकी लेंथ जो थी एल ली थी, तो ये एल, ये एल, टू एल हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू टू एल इक्वल टू, भाई टू एल पे तो लग रहा है ना सिग्मा, इक्वल टू डेल्टा पी इंटू, ये कितने पे लग रहा होगा, डेल्टा पी इंटू क्या करेंगे, सोच के बताइए जल्दी से, डेल्टा पी इक्वल टू क्या करोगे आप, डेल्टा पी इक्वल टू टू पाई, टू इंटू आर इंटू एल, यही करेंगे। देखो ध्यान से, टू इंटू आर इंटू एल, डेल्टा पी हमारा इसी पे लग रहा होगा, ठीक है, टू इंटू आर इंटू एल, क्यों भैया, कि डेल्टा पी हमारा किसको लग रहा है, डी जो डायमीटर है, डी इंटू एल पे लग रहा है, ठीक है ना, डी इंटू एल पे लग रहा है, तो हम डी की वैल्यू हो गई टू टू आर इंटू एल, तो बस यहाँ से टू कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आपका आएगा डेल्टा पी इक्वल टू सिग्मा बाई आर, और इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा पी इक्वल टू टू सिग्मा बाई डी, बस इतना ही था, कुछ नहीं है। तीनों फॉर्मूला याद रखेंगे आप, कि जेट फॉर्मेशन में कितना लगता है, प्रेशर इनसाइड सोप बबल कितना होता है, और ये कितना होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। ओके, सो आगे बढ़े, इन तीनों को जो भी तीनों हमने लिखा था, इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर तीनों एक साथ लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो भी तीनों लिखा था हमने, इन तीनों में किसकी फॉर्मेशन के लिए सबसे कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जेट की, बबल के, या ड्रॉप के, जेट के, बबल के, या ड्रॉप के, तीनों में से सबसे कम एनर्जी जो है आपको किस में अप्लाई करनी पड़ेगी, जल्दी से बताइए सोच के फटाफट, तीनों में से हम किस में सबसे कम एनर्जी अप्लाई करेंगे, नोट डालिए, लिखिए, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग दिस थ्री केसेस, उसी के जस्ट नीचे लिखिएगा, इट इज क्लियर दैट फॉर्मेशन ऑफ जेट रिक्वायर मिनिमम एनर्जी, नो डाउट इट। जल्दी से ले नोट डाउन करें,
ठीक है, नाउ हेडिंग डालिए वर्क डन। ये तीनों पॉइंट तो आपको समझ में आ गया ना कि क्या क्या पॉइंट्स थे। अब एक डालिए केस वन, केस वन क्या है, वर्क डन बाय रिक्वायर्ड इन ब्लोइंग, क्या ब्लो करना है आपको, बबल ब्लो करना है, ठीक है, इन ब्लोइंग अ लिक्विड, पहले ड्रॉप को देख लेते हैं फिर बबल देखेंगे, अ लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप को ब्लो करने में यानी बनाने के लिए आपको कितना काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि भैया UPSC के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, UPSC AE के लिए ये इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक। चलिए नोट डाउन करिए फटाफट इसको, हाँ इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वर्क डन रिक्वायर्ड इन ब्लोइंग अ लिक्विड ड्रॉप, ठीक है, ब्लोइंग का मतलब एक छोटा सा लिक्विड ड्रॉप है उसको आपको बड़ा करना है ना। सपोज करो ये R1 रेडियस का था, इसको मैं जब ब्लो करके क्या कितना बड़ा करना है, R2 करना है, ठीक है, तो मुझे कितना काम करना होगा, ठीक है, R1 to R2 लेके आना है तो मुझे कितना काम करना होगा, तो हम कंपेयर करेंगे भैया वर्क डन क्या होता है, चेंज इन एनर्जी हमने ऑलरेडी पढ़ा था डेल्टा ई, तो पहले इसकी एनर्जी लिखते हैं, E1 लिखो यहाँ पे, E1 कितना हो जाएगा भैया, तो E1 होता है हमारा सिग्मा इंटू एरिया, तो सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा हमारा कितना होता है, ठीक है, सिर्फ सिग्मा क्या हमारा सरफेस टेंशन फोर्स है, तो सिग्मा इंटू A1 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर E2 लिखूँ तो E2 कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू A2, ठीक है, सिग्मा तो सेम ही रहेगा ना भैया, क्योंकि सेम मास उस है, सरफेस टेंशन सेम रहेगा, यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, सिग्मा ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं, पाई आर स्क्वायर, सॉरी सिग्मा एरिया हम ऑलरेडी हमें पता है उसका कितना होगा, 4 पाई R1 का स्क्वायर इंटू सिग्मा, यहाँ से अगर बोलूँ तो ये हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर इंटू सिग्मा। E1 और E2 हमें पता चल गया, E1 है हमारा कितना इतना, E2 हमारा कितना है इतना, और दोनों में हमें क्या करना है, हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, यहाँ देखते हैं, वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करते हैं, वर्क डन इक्वल टू डेल्टा ई, और डेल्टा ई हमारा क्या होगा, E2 माइनस E1, तो वही कर लो भाई, 4 पाई R2 का स्क्वायर सिग्मा माइनस 4 पाई R1 का स्क्वायर सिग्मा, और यहाँ से क्या जाएगा तुम्हारा, कॉमन लिया 4 पाई सिग्मा कॉमन, तो बचा तुम्हारा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट, वर्क डन कितना चाहिए, 4 पाई, कितना हो जाएगा ये, E2 माइनस E1, और कितना जाएगा, 4 पाई सिग्मा इंटू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, इसको नोट कर लीजिए। फिर केस टू डालिए, वर्क डन रिक्वायर्ड इन ब्लोइंग अ सोप बबल, सोप बबल को ब्लो करने के लिए हमें कितना काम की ज़रूरत पड़ेगी, ये याद हो कर लीजिएगा, उसको यहाँ लिख रहा हूँ, इन ब्लोइंग अ सोप बबल, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, इन ब्लोइंग अ सोप बबल, तो सोप बबल को ब्लो करने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे, अब फिगर नहीं ड्रॉ करूँगा, फिगर आपको पता ही बबल का कैसे होता है, ठीक है ना, E1 हमें पता होगा कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है E1 हो जाएगा हमारा 2 है ना, पाई आर स्क्वायर 2 पाई, या फिर कुछ नहीं करना, 2 पाई उतना क्या करना है, हमें जो पहले वाला एनर्जी था उसका दोगुना होता है ना, तो 4 पाई R1 का स्क्वायर इंटू सिग्मा कर दो, और E2 हमारा कितना हो जाएगा, वही 2 से 4 पाई R2 का स्क्वायर इंटू सिग्मा कर दो, अब यहाँ से कितना हो जाएगा ये, E1 आ गया हमारा 8 पाई R1 का स्क्वायर सिग्मा, E2 हमारा आ गया कितना यहाँ से,
एट पाई आर टू का स्क्वायर सिग्मा, यानी वर्क डन कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से, वर्क डन ब्लो करने में कितना हो जाएगा, इक्वल टू डेल्टा ई, और डेल्टा ई हमारा कितना है, ई टू माइनस ई वन, दैट इक्वल टू एट पाई सिग्मा कॉमन ले लिया हमने, आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर। इसको भी आप नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से, टॉपिक कवर करना है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको कवर करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एट पाई सिग्मा इंटू आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर, जल्दी नोट करिए इसको। ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये केस टू था, दिस इज केस टू, ओके। केस थ्री एग्जांपल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा एग्जांपल उसको भी लिख लीजिए फटाफट, ज़्यादा उतना एक बड़े से ड्रॉप को मैंने बहुत एन स्मॉलर ड्रॉप में क्या किया था, स्प्लिट किया था। तो एक बड़े ड्रॉप को एन स्मॉलर ड्रॉप में स्प्लिट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मतलब मुझे कितना काम करना होगा वो देखते हैं, ठीक है। वर्क डन केस थर्ड, वर्क डन इन स्प्लिटिंग अ बिगर ड्रॉप इनटू एन स्मॉलर ड्रॉप्स, कितना काम करना पड़ेगा ये देखते हैं। तो मैंने कहा था कि एक ड्रॉप लो जिसका कैपिटल आर रेडियस हो, उसको मैंने किस में चेंज कर दिया था, एन स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, जिसका स्मॉल आर था, ठीक, इसमें चेंज किया था हमने, याद होगा स्प्लिट्स इनटू, मैंने कहा था कि इसकी एनर्जी हमें पता थी, इसकी एनर्जी हमने निकाल ली थी, वहाँ पे कुछ नहीं करना, वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है, डेल्टा ई निकालना होता है, राइट। यहाँ भी हम वही काम करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एनर्जी पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है कि मास सेम है, मैंने याद किया, सेम सिंस मास सेम, डेंसिटी सेम, देयरफॉर वॉल्यूम भी क्या होगा आपका, सेम ही होगा, ये चीज़ मैंने आपको बताया था, है ना, डेंसिटी सेम, तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना, फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर, सॉरी वॉल्यूम फोर बाई थ्री कैपिटल आर स्क्वायर, इसका बताया था मैंने, और इसका मैंने बताया था कि इसको हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर बाई थ्री पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। इन दोनों को कंपेरिजन करने पर, इक्वल टू करने पर क्या आया था मेरे पास, ये एक हमें फॉर्मूला निकल के आया था, आर इक्वल टू कैपिटल आर, मैंने कहा था याद रखिएगा, एन टू द पावर माइनस वन बाई थ्री, यही आया था, राइट, याद होगा आपको मैंने कराया था, ठीक है। तो यहाँ तो हमें पता है, ठीक, ये मान लो उसकी एनर्जी ई वन है, इसकी एनर्जी ई टू है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से मैं ई टू अगर निकालूँ, पहले यहाँ पे मैं ई वन निकाल देता हूँ, ई वन कितना हो जाएगा, एनर्जी हमें ये पता है, वॉल्यूम पता है हमें, एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ई वन हो जाएगा हमारा फोर सिग्मा पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा ये, सिग्मा इंटू एरिया सरफेस एरिया नहीं, फोर पाई आर स्क्वायर। यहाँ की अगर ई टू की बात करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एन इंटू, ठीक है, सिग्मा फोर सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ये स्मॉल हो गया, ये कैपिटल, इसको मिटायो, इसको बाद में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ई टू की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे, ऑलरेडी हमने पुट किया था, ई टू इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, एन की जगह पे एन को रहने दो, वैसे ही आर की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, फोर सिग्मा पाई इंटू कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल आर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर एन टू द पावर माइनस वन बाई थ्री था, ये पुट कर दो, ठीक है। तो कैपिटल आर इंटू एन टू द पावर माइनस वन बाई थ्री होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं,
टू इक्वल टू, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, एन इंटू फोर सिग्मा इंटू आर स्क्वायर इंटू एन टू द पावर माइनस टू बाई थ्री। कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक? नहीं। इसके आगे और बढ़ते हैं, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, फोर सिग्मा आर स्क्वायर, ये एक एन और यहाँ पे एन टू द पावर वन यहाँ पे और ऐड होगा, तो क्या कितना आ जाएगा, एन टू द पावर, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, एन टू द पावर माइनस टू बाई थ्री और एक एन आएगा तो यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तो आपका फोर सिग्मा आर स्क्वायर एन टू द पावर थ्री प्लस वन, थ्री वन थ्री और प्लस, ये हो जाएगा वन बाई थ्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक। ई टू ई वन हमें पता है इतना, ई टू हमें पता है उतना, तो वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ से, वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन होगा हमारा डेल्टा ई के बराबर, यानी ई टू माइनस ई वन कर देंगे हम, ई टू हो जाएगा फोर सिग्मा आर स्क्वायर एन टू द पावर वन बाई थ्री माइनस फोर सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। पाई छूट गया क्या कहीं, पाई कैसे छोड़ते, पाई पाई यहाँ से छूट गया है, पाई 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 का हिसाब रखना पड़ रहा है। ओके, तो अब यहाँ से हम कॉमन ले लें, फोर सिग्मा पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, एन टू द पावर माइनस वन बाई थ्री माइनस वन। आई होप कि आपको समझ में आ गया, इतनी एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे उसके बाद से ये वाला चैप्टर जो है बेसिकली आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है सुबह करेंगे, उसके बाद वेटिंग और नॉन वेटिंग फिनोमेना हम देख लेंगे क्या होता है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा। या फिर एक काम करते हैं, क्वेश्चन मैंने कहा था कि हम सेपरेट वीडियो में करेंगे, तो हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, आज के लिए हम इतना ही रख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को हम बेसिकली हम सेपरेट वीडियो में क्या करते हैं, डिस्कस करेंगे, ताकि जितने भी क्वेश्चन का सीरीज हो वो आपको मिल जाए कि सेपरेट वीडियो में, ठीक है। तो सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इसका क्वेश्चन जो है नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो में, चार से पाँच मिनट का वीडियो होगा, उसमें मैं डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।